हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 6:30 बज गए हैं। गुड्डू चिंकी उठ गए हैं और चिंकी की कोशिश है कि नंदनी को और आरुषि को भी साथ के साथ उठा दिया जाए। गुड्डू को मैंने बोला था 2 दिन पहले, बेटा अपना बिस्तर जो है साथ के साथ उठा देना है। ये भी आ गए हैं मॉर्निंग वॉक से और गुड्डू ने अपना बिस्तर मच्छरदानी सब हटा दिया है, लेकिन अभी मेरे वाला बिस्तर रह रहा है, यहाँ पर सोया हुआ है। अभी आरुष अंदर ना ज़्यादा गर्मी लगती है, कूलर पंखे उमस से बना देते हैं, तो इसलिए खुले आंगन में 2-3 दिन से सो रहे हैं। ये भी बाहर ही आ गया था, पहले तो पिताजी के पास लेटा हुआ था और जब मैं इसे लेने के लिए गई तो बोला कि पिताजी के पास सोऊंगा, और अभी भी सोया हुआ है। देखो बढ़िया नींद आती है, बल्कि गर्म कपड़े की भी ज़रूरत पड़ जाती है, इतनी ठंड लगती है रात में। तो कूलर चलाते हैं ना उधर से, बिना पानी के चलाते हैं, पानी नहीं डालते हैं काफ़ी दिनों से। आरुष गुड मॉर्निंग। ये देखो आरुष का रिएक्शन। आरुष और आरुषि के चल रहे हैं पेपर, और कल भी इनका हिंदी का पेपर था और पैड वगैरह कल इन्हें दिलवा दी थी, आज है मोरल हिंदी का। आज इन्हें कुछ भी लेके जाना, खाली हाथ एकेनार सुना के आने बस। इस तरह बड़ी दिक्कत। नंदनी भी उठा दी है चिंकी ने, अब उसने सबको उठा ही दिया है, आरुष रह गया है, अब मैं उसे उठाऊंगी। वो नहीं यार, मतलब चिंकी के बस की बात नहीं है उसे उठाना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आय आय आय। गुड मॉर्निंग आरुषि। गुड मॉर्निंग। रात आरुषि ऐसी नाराज हुई, दोनों बहन भाइयों का झगड़ा हो गया था ना, तो किसी पे भी नहीं मन रही थी, फिर 4-5 काजू देनी पड़ी जब मनी। चिंकी सुबह सुबह ही मम्मी जब मैं क्या करूँ और क्या करे, किसी दिन देखे कुंडा ना निकलने वाला हो रहा, ये मेरा भी टाइम नहीं लग रहा इसे उतारने का झूले को यहाँ से। मम्मी जी आप बता दो। हाँ। गुड्डू दीदी पहले नान क्यों गई? ऊपर चली जाना, ऊपर वाले बाथरूम में ना। और तो जल्दी आ गए मॉर्निंग वॉक से है। हाँ आज बस ज्यादा दूर नहीं टहला मैं। अच्छा आज बस नजदीक से ही आ गया, तो चलो लाडले को उठवा दो। हाँ, बस कोशिश करेंगे अभी उठाओगे, कम से कम आधा घंटा खर्च करना पड़ेगा। हाँ, और उधर गुड्डू चिंकी के नाश्ते की तैयारी हो जा। चलो नंदनी भाई को उठाइए। ऐसा क्या, प्यासी सोई थी रात, मैं अभी पानी पीऊं? हैं प्यासी सोई थी क्या? हम दे देते पानी तो बता तो देती इनको, मम्मी मुझे पानी पिया दो। जो नीम के पेड़ की सुरक्षा के लिए ये नेट बनवाई है ना, मैं इनसे बोल रही थी आप खुद ही लगा दोगे या मिस्त्री जी पर लगवानी पड़ेगी, तो बोल रहे इसे धरती में ऐसे तो लगा नहीं सकते, नहीं तो नीचे से गड़ जाएगी। इसकी सेफ्टी के लिए नीचे ईंटें और सीमेंट करना पड़ेगा, तब लगेगा। वैसे यहाँ तक बच्चों का भी हाथ नहीं जाने का, ये सही हो गया, नीचे तक लग जाएगा ना। हमारा तो जा रहा है। तेरा तो जा रहा, छोटे बच्चे, और वहाँ पे ईंटे गिरने का डर नहीं रहने का। नंदू कितने किलो का है ये? 12.5 किलो का है ये। नंदू चलो आपको इसमें बंद कर देते हैं, आपके लिए बनवाया ये है। इधर पानी घेर देगी फिर ही अगर इसमें डाल दी इसे। चल तेरे लिए बनवाया। चल नंदनी पानी घेर दो। घेर दो तो चलो सुबह सुबह इसके खुरापात जो है वे शुरू हो गए। देखिए नंदनी सही है क्या पिंजरा है? सही है क्या? देख रही इसमें से कुछ नहीं देख रही, एकदम से जवाब कुछ नहीं देख रही। क्या हो गया? गिर गया है? भागले भागले भागले। अनु कह रही है आप गिरा के दिखाओ। ओ भागो। बोल दीजिए जा केन पागे तभी। ओ यार दीजिए दीजिए भागो। ओरे भाई जी बच की जान है। भागो भाई भागो 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 भाई, वो उधर को भाग गया है। ये है हमारी लोहे की नई कढ़ाई और इसका आज उद्घाटन कर देते हैं सुबह से ही। इसे चढ़ा देते हैं मिट्टी के चूल्हे पर,
तो आटे का हलवा नहीं इसमें बनेगा, सूजी का हलवा और सब्जी बनेगी उसके बाद में। तो चलो जी, इसे मैंने साफ तो कर लिया है, लेकिन इसके यहाँ पर चढ़ा लेते हैं मिट्टी। सबसे पहले जब उद्घाटन करते हैं तो तली पर जो है मिट्टी लगाते हैं। चूल्हा जो है जलकर तैयार हो गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस पर मिट्टी लगा दी है और अब इसको रख देते हैं यहाँ पे चूल्हे पे। बिल्कुल एकदम बढ़िया लग रही रखी हुई। चलो जी, आज साफ करके आती हूँ। पहले तो कढ़ाई गर्म हो गई है और वो थोड़ी सी ज़्यादा ही हो गई थी, क्योंकि शुरू की आँच जो मिट्टी के चूल्हे की होती है वो तेज़ी हो जाती है, और ये थोड़ी सी हल्के वाली कढ़ाई है और भारी वाली जो है वो थोड़ी सी साइज़ में बड़ी है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले इसी का उद्घाटन कर देते हैं। वैसे तो इसमें सबसे पहले आटे का हलवा बनना चाहिए था, लेकिन आज माँ की तबीयत ठीक नहीं है और गुड्डू के पापा बोले कि अब छोटे वाली कढ़ाई में ही सब्जी या हलवा जो भी कुछ बनाना है बच्चों के लिए उसी में बनाया कर। तो फिर मैंने सोचा चलिए मैं ही सूजी का हलवा बना देती हूँ, बच्चों के भी ब्रेकफास्ट तैयार हो जाएगा और साथ के साथ लंच भी इनका तैयार कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने मीठा पानी नहीं बनाया था, बस ऐसे ही हलवे को बना दिया था। इसमें चीनी डाल देते हैं थोड़े से गर्म से पानी में, और देखिए हलवा जो है बनकर तैयार हो गया है। अब इसको थोड़ा सा और पका लेते हैं जिससे कि ये मीठा भी हो जाए और सूजी भी इसकी अच्छे तरीके से फूल जाए। अभी आँच कम हो गई है, शुरू वाली आँच में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो ही जाती है, बर्तन जो है वो तेज़ गर्म हो जाता है, लेकिन कोई नहीं, मैंने इस पर इसी वजह से मिट्टी लगाई थी ताकि ज़्यादा तेज़ आँच ना हो। और यहाँ पर आरुष खड़ा हो गया था जब मैं कढ़ाई रखने वाली थी और बोला मुझे कि आप देख नहीं रहे हो मैं खड़ा हूँ। मैंने कहा मुझे तो मैं तो देख रही हूँ, तभी तो तुझे बताया मैंने कि कढ़ाई उतार रही हूँ। तो हलवा उतारने के बाद में अभी फिर मैंने इसको साफ़ करके चढ़ा दिया है, और तली में से देखिए जब भी करसी लगाती हूँ तो ये कढ़ाई जो है वैसे गैस के मतलब की है, मैं आपको बताऊँ तो ज़्यादा भारी नहीं है, नहीं तो मिट्टी के चूल्हे पर थोड़ी सी भारी कढ़ाई का ही काम होता है और ज़्यादा वजन हो जाता है, इसीलिए हम लोग जो है ये हल्की सी कढ़ाई लेकर आए थे। और अभी यहाँ पर मैंने आलू की सब्ज़ी बनानी है, सूखे आलू और रोटी, बच्चों को ये दूंगी मैं लंच में और हलवा खाकर जाएंगे वो दूध के साथ में, मर्जी है उनकी, आलू की सब्ज़ी भी खा सकते हैं। तो क्या क्या पैक करने वाले हैं वो तो उनके ऊपर ही डिपेंड रहता है, क्योंकि मेरी ड्यूटी होती है बनाने की ये सारी चीज़ें। कोई नहीं जुला रहा आपको, ये तो गलत बात है, किसी न किसी को तो जुलाना चाहिए। आरुषि जुलाएगी, चलो जुला दो आरुषि से। पापा जी से बिठाइए, दम करो। दम करो बिठाऊं? कौन जुलाएगा आपको? दीदी। कौन? दीदी। कौन सी दीदी? आरुषि दीदी। आरुषि दीदी, ये तो खुद ही झूल रही। झोल लेने आरुषि मेरे लारे लगा रहे चूल्हे। लारे लारे कहाँ का आया ये लारे लारे? अच्छा पापा आते चोट टटटी। अच्छा मेरा चोट लग जाएगी, तेरा कुछ नहीं बिगड़ने का। और अभी देखिए सब्जी जो है वो बनकर तैयार हो गई है, उसी बीच में मैंने आटा भी गूंथ लिया है और आरुष को भी रेडी करवा दिया है। तो यहाँ पर बस सब्जी मैंने ये राई में बनाई है, बिल्कुल सूखे से आलू। जीरा जो है आरुष नहीं खाता है, फिर परेशान करता है, जीरा देखते ही मुंह में से भी निकाल देता है, तो इसलिए अब मैं राई डालने लगी हूँ सब्जी में, तो खा लेता है, उसे पता नहीं चलता। राई बारीक होती है ना, तो उसकी खुशबू भी इतनी नहीं आती है, अगर दांत नीचे आए तो पता भी नहीं चलता। कैसा रहा स्कूल आज का बच्चों? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। आज इनका एग्जाम था, पर्चा था इनका, और ये स्कूल बैग के साथ चले गए थे, इन्हें पता नहीं था। चलो खैर कोई बात नहीं, अच्छा हो गया पर्चा। हाँ पेपर था, इसलिए पेपर में बैग लेके जावे। पेपर में बैग लेके जावे? हाँ। अच्छा, और इसने तो आते ही अपने ट्रक जेसीबी ये कॉलम ये ब्लॉक क्या ब्लॉक है ये ब्लॉक सब निकाल दिए हैं। ये ब्लॉक है। हाँ। और ये बुलडोजर, बस दो ही चीज है, बुलडोजर और ब्लॉक। हाँ दो ही। आते ही खेलना शुरू कर दिया। चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लो अब, हैं ठीक है बच्चों।
तो बच्चे आ गए हैं स्कूल से और अभी मैंने यहाँ का काम भी निपटा दिया है। बाकी सब सामान जो है उठा देती हूँ और ये सिवाइयाँ जो है वो भून ली थी, डब्बे में रख दिया ठंडी करने के बाद में। अभी बर्तन सारे चौकी पर इकट्ठे कर दिए हैं और सबसे पहले राख निकालूंगी और जब तक जो है बर्तन साफ़ करूँगी तब तक ये मिट्टी का चूल्हा ठंडा हो जाएगा। और धूप में ना इतनी तेज़ काम करना बड़ा मुश्किल होता है। ये तो ये है कि थोड़ी बहुत हवा चलती रहती है जिससे कि हम काम में लगे रहते हैं, नहीं तो चक्कर से आने लगते हैं। मई जून की गर्मी को ज़्यादा गर्मी माना जाता है लेकिन यहाँ पर तो अभी अगस्त सितंबर की गर्मी ही इतनी हो रही है, बहुत ज़्यादा। बोलते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर जो है जाड्डा जन्म ले लेता है लेकिन हमें तो लग रहा है कि यहाँ हमारे यहाँ तो गर्मी ने जन्म ले लिया है। ये देखिए, तो अभी मैं झाड़ू भी लगा दे रही हूँ, उधर के एरिया में मैंने लगा दी थी, सबसे पहले इधर की साइड में लगाऊंगी, फिर यहाँ पर साफ़ सफाई करके जो है और बाकी काम जो है अंदर के बाद में करते रहते हैं। प्रीति कपड़ों की धुलाई कर रही है, कुछ कपड़े धुल गए हैं, बीच बीच में लाइट भी तंग करती रहती है। और गुड्डू के पापा बोल रहे थे जल्दी से यहाँ पर खाना बना लिया करो, सवेरे के टाइम देर मत किया करो, नहीं तो फिर जो है गर्मी ज़्यादा हो जाती है, गर्मी में हर किसी को प्रॉब्लम होती है। अब मतलब पहले लोग करते थे गर्मी में काम, लेकिन अभी किसी बंदे से इतना काम गर्मी में मतलब कि धूप में नहीं होता है। जैसी शरीर को अपने आदत डालते हैं वैसी पड़ जाती है। अभी मेरा एक पार्सल आया था और अभी इन्होंने रिसीव कर लिया है, तो जी बाद में देखूंगी, खोलकर ये बोल रहे थे किस चीज़ का है, तो मैंने कहा चलो बाद में देख लेते हैं, अभी मैं काम निपटा लूं। और इस पेड़ के ना कनियर के वैसे इसका मुझे फ़ायदा भी बहुत है, बस ये है कि मुझे थोड़ी मेहनत झाड़ू लगाने की और इसके फूल पत्तियाँ इकट्ठे करने में लगती है। कई बार इसके सुबह से पत्तियाँ फूल इकट्ठी करनी पड़ती है, नहीं तो फिर पैरों के नीचे आती है तो उसे अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि ये शंकर भगवान पर चढ़ाया जाता है। तो जी मैंने यहाँ पर अभी बर्तनों की सफाई शुरू कर दी है, बस इनकी धुलाई करने के बाद में फिर और काम करूँगी। बर्तनों वाले स्टैंड में बर्तन रखे हुए तो फिर मैंने सोचा इसी टब में जो है मैं रख देती हूँ, और टब भी मुझे लाने पड़ेंगे। एक टब में जो है जलपरी लगा रखी और इस वाले टब के जो है किनारे टूट गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ जब भी अब की बार मार्केट देखिए एकदम से तो इतना सारा सामान नहीं आता है, जो भी याद आता रहे जब हम उसे यूज करते हैं ना तभी ध्यान आता है मेरे, वरना तो हम डेली रूटीन में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो भूल जाते हैं। और कढ़ाई में काम करने में खाना बनाने में बड़ा अच्छा लग रहा है, तो आज हमारी कढ़ाई का भी उद्घाटन हो गया है जिसे मैं कई दिन से सोच रही थी, और देखिए एकदम साफ़ हो गई है। अब यहाँ को भी मैं साफ़ कर दूँगी। और ये फ़र्श जो है हम लोगों ने कई दिन पहले धोया था और गंदा इसलिए लगता है, ये देखने में वैसे गंदा रहता नहीं है क्योंकि जहाँ पर हम लोग बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं वो दोनों टाइम साफ़ कर देते हैं पानी डालकर। ये टूट गया है, आधा फर्श जो है वो बिल्कुल टूटकर ख़राब हो गया है, सीमेंट के जो है लेवड़े लेवड़े से उतरते हैं, बहुत बड़े बड़े टुकड़े उतर जाते हैं। तो अभी मैंने कनियर की जड़ में से जितना कूड़ा इकट्ठा किया था वो सब हटा दिया है, अब मिट्टी के चूल्हा भी ठंडा हो गया है तो इसे भी जो है साथ के साथ लीप पो देते हैं। और इस मटकी पर ना ये जो करवा है जिसमें मैंने ये कर रखा है पोतने का, तो इसके नीचे इतनी सारी चींटियाँ थी, बहुत सारी चींटियाँ थी, मेरे हाथ पर भी चढ़ गई थी। मैंने बाद में ध्यान दिया जब वो हाथ पर चलने लगी, मेरा हाथ थोड़ा सा गीला हुआ, फिर मैंने सोचा चलो फटाफट से जो है इसे साफ़ कर देते हैं और इसके बाद में इसे वहाँ पर रख देते हैं। तो अब मैं यहाँ पर जो है थोड़ा सा गीला कपड़ा लगा दूँगी, कढ़ाई के जो है निशान हो जाते हैं पतीली कढ़ाई के रात तक के, तो अच्छे नहीं लगते हैं। और देखिए वैसे तो फ़र्श पूरा का पूरा साफ नज़र आ रहा है ना, इतना गंदा नहीं होता। अभी रोक्सी को भी उधर बांध देते हैं, लास्ट काम रह गया सिर्फ रोटियाँ सेकने का। अभी तो सबने पपीता खा लिया है, एक दो जनों ने जिसको जल्दी भूख लगती है, और चाचा जी ने खाना खा लिया था, मैंने सब्जी बना दी थी और प्रीति ने गैस पर रोटियाँ सेक दी थी, सुबह आटा थोड़ा सीजल सा बना लिया था, नहीं तो फिर उनके टाइम तक रोटी ठंडी हो जाती है, परांठे तो चल जाते हैं वो नरम होते हैं ना। अभी तक कपड़े धुल रहे हैं, बच्चे आ गए थे ना उनकी ड्रेस भी साथ के साथ जो है प्रीति ने धो दी है, वाइट वाली रहती है, साथ के साथ तो दाग उतर भी जाते हैं बाद में नहीं उतरते। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस व्लॉग का कर देते हैं यहीं पर एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ में। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर न तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।